सरकारें हर 5 साल में आती हैं, चली जाती हैं। नई सरकारें, नए मंत्री, नए लोग सत्ता में आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ महीनों या सालों तक केंद्र या राज्य में कोई सरकार ही नहीं होती। अक्सर ऐसा चुनावों, उपचुनावों या राष्ट्रपति शासन के दौरान होता है। कभी सोचा है आपने, आखिर ऐसे में वो कौन सी ताकत, वो कौन लोग हैं जो इस देश में ऐसे में भी चलायमान रखते हैं? यही नहीं, सरकारों की आवाजाही में ये लोग बने रहते हैं, नए मंत्री संतरियों को उनका सारा कामकाज समझाते हैं और मौका पड़ने पर उनसे करवाते भी हैं। राजनीतिक विज्ञान में से स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा गया है। ये लोग हैं नौकरशाह। आम बोलचाल में IAS, IPS, IFS, जो जिले से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक देश के हर सरकारी अर्ध सरकारी संस्थान को चलाते हैं। क्या हो अगर इस बॉडी पर ही मुस्लिमों के लिए पक्षपाती होने का आरोप लगाया जाए? क्या हो अगर इस देश भर से आवाजें आने लगें कि इस बॉडी में मुस्लिमों की घुसपैठ चल रही है? क्या हो अगर आपको पता चले कि नौकरशाही या UPSC जिहाद नाम की भी कोई चीज है? नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत है और इस UPSC जिहाद से जुड़ी आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सुदर्शन न्यूज चैनल के विवादित कार्यक्रम नौकरशाही जिहाद या UPSC जिहाद के प्रसारण को हरी झंडी दे दी है। पहले ये कार्यक्रम 28 अगस्त की रात होने वाला था, जिसके प्रोमो पर देश भर के मुस्लिम और कुछ अधिकारी संगठनों ने आपत्ति दर्ज की। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस कार्यक्रम पर रोक लगाते हुए केंद्र को जांच के आदेश दिए, इस पर स्टे लगा दिया और चैनल को जवाब देने को कहा गया, जिसके बाद कल सूचना प्रसारण मंत्रालय ने रोक को हटाते हुए चैनल को निर्देश दिया कि शो के प्रसारण के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रोग्राम कोड का उल्लंघन ना हो, अगर ऐसा होता है तो कार्यवाही की जाएगी। बताते चलें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुदर्शन न्यूज चैनल ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सौंपे अपने लिखित बयान में कहा था कि यह शो किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करता है। अगर शो में किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमों के मुताबिक कार्यवाही की जाए। पर आखिर क्या है नौकरशाही जिहाद? क्या है वो मुस्लिम घुसपैठ जिसकी बात सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश शाहनके ने अपने प्रोमो में की? आखिर क्या है वो जामिया के जिहादी वाली सोच जिस पर सुरेश परेशान है? ट्विटर पर सुरेश शाहनके के इस विवाद पर अपनी बात रखते हुए कहा था कि हमारा ये कार्यक्रम पिछले कुछ वर्षों में नौकरशाही के अंदर मुस्लिमों की तेजी से हो रही वृद्धि को लेकर है। अब TFP न्यूज ने इस मामले की तहकीकात की और कई रोमांचक जानकारियां पता चली। दरअसल IAS IPS बनाने के लिए देश भर में एक सुसंगठित बाजार खुल चुका है, जो एक मोटी फीस के एवज में कोचिंग देता है। पर इसी कोचिंग के बाजार के बीच में अनेक धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं भी अपनी विचारधारा के लोगों को देश की सबसे उच्च सेवाओं में भेजने के उद्देश्य से कोचिंग संस्थान खोल कर चलाती है। और नौकरशाही जिहाद का मामला भी इसी से जुड़ा है। दरअसल एक मुस्लिम संस्था है जिसका नाम जकात फाउंडेशन है। जकात फाउंडेशन ने मुस्लिम समाज के युवाओं को इन सेवाओं में भेजने का जिम्मा उठाया और मेहनती मुस्लिम युवाओं को फ्री कोचिंग और साथ में स्कॉलरशिप भी देने का प्रबंध किया। साथ ही फाउंडेशन इन्हें देश के सबसे अच्छे टीचर्स और सबसे अच्छे कोचिंग एनवायरमेंट मिले ऐसा सुनिश्चित भी करता है, जिसका परिणाम है कि पिछले 4-5 सालों में हर साल ये संस्था कुल सेलेक्ट होने वाले मुस्लिम प्रतिभागियों में से 60-80% तक अकेले अपने संस्थान से देती है। पिछले वर्ष जकात ने 18, इस वर्ष 28 रिजल्ट दिए। यह अनुपात हर साल लगभग दोगुनी गति से बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य मुस्लिम संस्थान जैसे जामिया आदि भी इस तरह के कार्यक्रमों को चला रहे हैं, जिसमें इनका उद्देश्य बिना किसी हो हल्ले के नौकरशाही में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना है। कुछ लोग बताते हैं कि इन प्रतिभागियों में से अधिकतर वो हैं जो IAS परीक्षा में उर्दू भाषा का चयन करते हैं, और जाहिर है कि उर्दू भाषा की कॉपी कोई उर्दू का जानकार प्रोफेसर ही जांचता है, जिस कारण कई लोग अखबारों में लेखों के माध्यम से उर्दू भाषा में हो रहे इस पक्षपात को लेकर आरोप लगाते रहे। संघ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक रिपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये बात पुष्ट भी होती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार साल 2011 से साल 2017 तक उर्दू की सफलता का आंकड़ा क्रमशः 40%, 22%, 17%, 19%, 4%, 13% और 19% रहा है।
जो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के पहले वर्ष को अपवाद के तौर पर छोड़ दिया जाए तो हर साल सफल अभ्यर्थियों के वैकल्पिक विषयों में उर्दू शुरुआती 5 पायदानों में से एक पर होती है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक आधारों पर की गई रिसर्च से ये भी पता चलता है कि IAS परीक्षा के इंटरव्यू चरण में एक मुस्लिम प्रतिभागी को अन्य प्रतिभागियों की अपेक्षा 13 नंबर अधिक मिले हैं। पर सवाल ये है कि क्या किसी समाज का अपने लोगों को अखिल भारतीय सेवाओं में भेजना या प्रोत्साहित करना या उनकी आर्थिक मदद करना गलत है? नहीं, हमारा भी यही मानना है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये उनकी सालों की ईमानदार मेहनत का नतीजा है। ये उनकी अपने कौम के प्रति वफादारी की खुशबू है जो अब जाकर चमन में बिखरी है। इसके अलावा RSS का संस्थान संकल्प, सिंधी समाज, जैन समाज भी अपनी अलग कोचिंग चलाता है और अपने समाज के बच्चों की मदद करने का दावा करता है। इन दावों में कितना दम है, इसका पोस्टमार्टम किसी और दिन करेंगे। लेकिन ये सच है कि जकात फाउंडेशन ने बड़ी बड़ी बातें नहीं की, बल्कि खामोशी के साथ अपने मिशन को अंजाम दिया। आखिर और लोग इन पर उंगली उठाने से पहले खुद वैसी मेहनत क्यों नहीं करते? लेकिन एक और बात, वो बात ये कि ये विरोध सिर्फ जकात का ही क्यों? इस मामले की भी तहकीकात करने पर पता चलता है कि जकात फाउंडेशन न सिर्फ मुस्लिम युवाओं को सिविल सेवा में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग देता है, बल्कि जकात की खुद की वेबसाइट भी ये दिखाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले रोहिंग्या घुसपैठियों की भी वह मदद कर रही है। इसके लिए जकात ने दिल्ली में दारुल हिजरात नामक मेकशिफ्ट कैंप स्थापित किया है। जकात की वेबसाइट पर एक मैप भी है जिसमें मस्जिदों के आसपास रोहिंग्या मुस्लिमों को बसाने का प्लान दिखाया गया है। जकात फाउंडेशन का दावा है कि पूरी परियोजना को गृह मंत्रालय की मंजूरी हासिल है। फाउंडेशन के उपाध्यक्ष SN शकील परियोजना के प्रभारी हैं। जकात फाउंडेशन इस्लामिक सिद्धांतों पर रोहिंग्या लोगों को शिक्षित भी कर रहा है। इस समय दिल्ली में कई रोहिंग्या बस्तियां हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं शाहीन बाग, कालिंदी कुंज, विकासपुरी, खजूरी खास। इनमें से कुछ क्षेत्रों में फरवरी के महीने में राष्ट्रीय राजधानी में सांप्रदायिक दंगों के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा देखी गई थी। इसके अलावा जकात फाउंडेशन धार्मिक कट्टरपंथ और भगोड़े जाकिर नाइक से भी संबंध रखने के कारण विवादों में रही है। जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल के डायरेक्टर और इंग्लैंड के निवासी डॉक्टर मोहम्मद जफर कुरैसी वर्ष 2016 तक जाकिर नाइक के कट्टरपंथी संस्था IRFI के भी डायरेक्टर थे। इसके अलावा जकात की साल 2018-2019 में गृह मंत्रालय को जमा की गई वित्त रिपोर्ट से पता चलता है कि उस साल उन्हें इंग्लैंड की मदीना ट्रस्ट से लगभग 13 लाख की विदेशी फंडिंग हुई। ये मदीना ट्रस्ट वही ट्रस्ट है जिसका नाम साल 2019 में इंग्लैंड में भारतीय उच्चायोग के सामने प्रोटेस्ट करने और उस पर हुए हमले में शामिल होने का आरोप है। ये सभी बातें जकात की मंशा और विचारधारा पर सवाल उठाती हैं। सवाल करना गलत नहीं है, पर सवाल इन संस्था के ट्रैक रिकॉर्ड, उसके काम और मंशा पर होना चाहिए, ना कि इस आधार पर कि क्यों जकात कठिन परिश्रम कर अपने समाज को वहां पहुंचा रहा है जहां आप लगभग असफल साबित हो रहे हैं।